आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप बहुत सुंदर गर्मियों के लिए ए लाइन कुर्ती बनाना, और इसी बनाना में आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी जिससे आप बड़ी आसानी से अपने लिए कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आप अच्छे से देखिए और सीखिए। कुर्ती बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेंगे। 2.5 मीटर कपड़े की लंबाई है और 42 इंच का इसका अर्ज है। इसको हमने लंबाई की साइड से डबल में फोल्ड कर दिया है। ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि दूसरी साइड के कॉर्नर को पकड़ना है और इसी के ऊपर पलट देना है। तो ये कपड़ा 4 लेयर में हो गया है। इसकी जॉइंट वाली साइड इस साइड है और खुली वाली साइड बाहर की साइड है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो जॉइंट वाली साइड है वो अपने साइड होना चाहिए और खुली वाली साइड बाहर की साइड होनी चाहिए। इस तरह आपको मिलाकर कपड़े को रखना है। तो अच्छे से आपको कपड़े को मिलाकर रखना है और कटिंग करने से पहले इस तरह आपको नाप लेना है और लिख कर रखना है। तो अच्छे से नाप को लिख कर रख लीजिए, जैसे मैंने लिख कर रखा है। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है कि इधर से इंची टेप को रखना है, नीचे से मिलाकर रखिए और ऊपर की साइड देखना है कि आपको कुर्ती की कितनी लंबाई पसंद है। जैसे कि मुझे इसकी लंबाई रखना है 44 इंच, तो ये निशान लगा दिए 44 इंच पर और 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का बढ़ाकर ले लेंगे, जिससे 0.5 इंच ऊपर की साइड मार्जिन यूज होगा और 0.5 इंच नीचे की साइड मार्जिन यूज होगा। इस तरह आपको लंबाई में निशान लगा लेना है। अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह। अब ऊपर से ही आपको इंची टेप रखना है और इसके आर्म होल का निशान लगा लेना है। जैसे कि आर्म होल का निशान आ रहा है इसका 6.5 इंच पर, तो ये निशान लगा दिया हमने 6.5 इंच पर। अब ऊपर से ही आपको दूसरा निशान लगाना है कमर की लंबाई का। जितना भी ऊपर से नाप आता है उसमें 0.5 इंच मिलाकर लगाइए। जैसे कि इसमें कमर की लंबाई है 15 इंच, 0.5 इंच यहाँ पर बढ़ाकर ले लेंगे, तो ये निशान लगा दिए हमने 15.5 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा करेंगे। इस कुर्ती में आपको हिप साइज का निशान नहीं लगाना है, यहाँ पर ही नीचे की साइड घेरा रहेगा। अब यहाँ पर निशान रखना है आपको शोल्डर के नाप का। तो जैसे कि इसमें शोल्डर आ रहा है 15 इंच का, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 7.5 इंच और 0.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस निशान को मिला देंगे। इस तरह मिला दिया है। अब यहाँ पर निशान रखना है आपको जो भी चेस्ट साइज आती है उसका चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें साइज है 38 इंच, 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच और 0.5 इंच की रहेगी लूजिंग, तो ये निशान लगा दिया हमने 10 इंच पर और ये हो गया सिलाई मार्जिन। यहाँ पे आप मार्जिन 1.25 इंच का भी रख सकते हैं और 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाना है आपको कमर के चौथाई भाग का। तो जैसे कि इसमें कमर है 31 इंच, 31 का चौथाई भाग होता है 7.25 इंच और 0.5 इंच इसमें लूजिंग ले लेंगे, तो ये हमने लूजिंग बढ़ा दी है और यहाँ पर रहेगा मार्जिन। अब मार्जिन के निशान से इसको मिला देना है इस तरह। इस तरह आपको इसके निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें नॉर्मली गला बना रहे हैं तो एक गले का निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर, तो इस 3.5 इंच में तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0.5 इंच का झुकाव देना है इस तरह, और आर्म होल में यहाँ पर आपको 1 इंच पीछे की साइड लेना है। जहाँ पर शोल्डर फुल यूज होता है वहाँ पर आपको 1 इंच पीछे की साइड लेते हुए इसका निशान बनाना है। ये आप चाहें तो इंची टेप से भी नाप कर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुलाई दे दीजिए, तो ये गुलाई भी आपको 1 इंच पर लगाना है। इस निशान से मिलाकर रखिए और इस तरह गुलाई बना दीजिए और ऊपर की साइड मिलाना है इस तरह। अब यहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से गले का निशान लगा सकते हैं। जैसे कि इसकी लंबाई रखेंगे हम पीछे की 2 इंच की। जब भी फुल शोल्डर यूज होता है तो यहाँ पर गले की लंबाई को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको 2 से 3 इंच तक ही निशान लगाना है, पीछे की गले की लंबाई ज़्यादा नहीं रखना है। तो पहले हम 2 इंच के निशान को सीधा कर देंगे इस तरह। अब दूसरा निशान लगाएंगे हम गले की लंबाई का। तो आगे का गला रखेंगे 6.5 इंच का, तो ये निशान लगा दिए 6.5 इंच पर, 6 इंच में बनकर तैयार हो जाएगा। जब गले की चौड़ाई का निशान हम 3 इंच पर लगाते हैं तो ये तैयार 3.25 इंच में होता है। ठीक है, जैसा निशान हमने ऊपर की साइड लगाया है वैसे ही निशान नीचे की साइड लगाना है। तो यहाँ पे भी हमने 3 इंच का निशान लगा दिया है। अब इस निशान को मिला देंगे इस तरह, इसका बॉक्स बना दिया है। अब आप चाहें तो आगे के गले को अपने हिसाब से भी बना सकते हैं।
जैसी डिजाइन आपको पसंद है आप आगे के गले में लुक दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस तरह का बना रही हूँ, पीछे के गले को गोल बनाएंगे इस तरह और आगे के गले में इस तरह का डिजाइन दे देंगे। ये गला बनने के बाद बहुत सुंदर दिखता है। इस तरह निशान बना दिया है। अब आपको ध्यान देना है आर्म होल की साइड। मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ तो इसी निशान पर इसकी कटिंग करेंगे। और अगर आप इसमें स्लीव लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पीछे के आर्म होल को आधा इंच बढ़ा देना है, और आप चाहें तो पीछे की साइड नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी आप आस्तीनों को ज्वाइंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम रेडीमेड कुर्तियों में आस्तीनों को ज्वाइंट करते हैं अलग से, वैसे ही आप इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। उससे भी बहुत सुंदर फिटिंग आती है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पीछे के आर्म होल को नहीं बढ़ाया है तो हम इसमें आस्तीनों को ज्वाइंट करें या नहीं करें। आप आस्तीनों को ज्वाइंट कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो इस तरह आगे के निशान इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको ध्यान देना है नीचे की साइड घेरा का। तो यहाँ पर कपड़े का जो भी अर्ज होता है आपको इस निशान से अर्ज की साइड पूरा मिला देना है। जितना भी अर्ज है पूरे को कवर करते जाइए और निशान को इस तरह मिलाते हुए लगा दीजिए। इस तरह आपको अर्ज को ले लेना है। उसके बाद आपको एक निशान लगाना है कमर के 1.5 इंच ऊपर की साइड और इसे मिला देना है इस तरह, जिससे आप चाहें तो अपने पसंद का बहुत सारा घेरा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो पहले कटिंग कर देंगे हम इसी निशान पर और फिर इसको पलट कर इसके घेरा को बढ़ा देंगे। अब हम इसी निशान से इसकी कटिंग कर देंगे। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। अब आपको इस कपड़े को काट कर निकालना है इस तरह और इसे पलट कर इस तरह रख दीजिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच कपड़े को काट कर निकाल देंगे, जिससे यहाँ पर 1/2 इंच की आपको चौड़ाई मिल जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर सेटिंग करना है इस तरह। इस तरह गुलाई से इसकी सेटिंग कर दीजिए। इस तरह आप बड़ी आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं और बहुत सुंदर इसमें घेरा निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीना के ऊपरी भाग की, कि जितना भी यहाँ पर कम होता है नाप में आपको देखना है और उतना ही यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा देना है, जिससे कुर्ती में और सुंदर फिटिंग आ जाएगी। तो जैसे कि इस नाप में सीना का ऊपरी भाग है 37 इंच और फुल चेस्ट है 38, तो यहाँ पर कितना फर्क हो रहा है 2 पॉइंट का। तो इस तरह हम निशान लगा देंगे और एक निशान आपको लेना है यहाँ पर 3 इंच तक, यहाँ पर निशान लगा लीजिए और इस निशान को इस तरह मिला दीजिए, जिससे सीना के ऊपरी भाग में बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। कपड़ा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, ठीक है। जब आप सिलाई को डालते हैं तो इस तरह ले जाइए घुमाते हुए। और आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे गर्मी होती है तो आप यहाँ पर लूज भी रख सकते हैं, और लूजिंग और मार्जिन एक्स्ट्रा हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो जैसे आपके पास यहाँ पर लूजिंग है तो आप कभी भी यहाँ पर फिटिंग देकर इसको परफेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन है तो आप कभी भी लूजिंग को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस बचे हुए कपड़े को हम सीधा काट कर निकाल लेंगे और इस कपड़े को इस तरह खोल देंगे तो इसकी चौड़ाई हमें मिल जाएगी। अब इस कपड़े को हमें 4 लेयर में रखना है। और जल्दी से कटिंग करने के लिए आप चाहें तो पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग बनाकर रख सकते हैं, जिससे पेपर को बस रखना है और आसानी से आपको कटिंग कर लेना है। तो ये ले ली हमने पेपर कटिंग। अब आपको बस इस तरह मिलाकर रखना है, कपड़े को 4 लेयर में रखना है और ऊपर से मिलाते हुए जितनी आस्तीन की आपको लंबाई पसंद है आप उतना रख सकते हैं। जैसे अगर आपको छोटी आस्तीन पसंद है तो आप इस तरह फोल्ड कर लीजिए, और अगर आपको लंबी आस्तीन पसंद है तो आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको लंबी आस्तीन रख रही हूँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जितना कपड़ा है उसके हिसाब से इसकी लंबाई को रखेंगे। तो ये निशान लगा दिए हमने इधर, और इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। अब आपको बस मिलाते हुए इसका निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है। और इसको खोलकर इस तरह पलट देंगे। अब आपको बस एक साइड इसमें गहराई देना है, क्योंकि आगे के आर्म होल में हमेशा गहराई होती है, तो ये गहराई जो होती है वो आगे के पार्ट में रहती है। इस तरह मिलाते हुए आपको 1.25 इंच के हिसाब से यहाँ पर गहराई बना देना है।
और नीचे की साइड इसमें हम फ्रिल को ज्वाइंट कर देंगे और आस्तीनों को आप जब चाहें तब आस्तीनें आप ज्वाइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितना कपड़ा है उसको सीधा काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह ही हमने बचे हुए कपड़े से आस्तीनों को निकाल लिया है। तो जब आप चाहें स्लीवलेस कुर्ती में आस्तीनों को ज्वाइंट कर सकते हैं। आपको बस आस्तीनें कटिंग करके रख लेना है और जब आपका मन करता है तब आप आस्तीनों को स्लीवलेस कुर्ती में ज्वाइंट कर दीजिए। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने लिए स्लीवलेस कुर्ती भी बना सकते हैं और जब आपका मन करे तो आस्तीनों को भी ज्वाइंट कर सकते हैं। और इसकी स्टिचिंग सीखने के लिए आपको इस वीडियो की लिंक नीचे मिल जाएगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है जिससे आप स्टिचिंग बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।